तो सबसे पहले मैम ने इसका जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है मशरूम का, जो होल लाइफ साइकिल में चाहिए होता है, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैग है, इसमें जो स्पॉन है वो तकरीबन बिल्कुल कम्प्लीट है। स्पॉन कम्प्लीटी के बाद हमने इस पर जो है वो केसिंग करनी होती है, केसिंग के मटेरियल का मैम ने आपको डिटेल से बता दिया। और केसिंग के बाद हमारे पास एक ये बैग है, तकरीबन 15-20 डेज़ के बाद इसमें जो है वो पिनिंग स्टेज होती है, जो कि ये मशरूम का आप देख सकते हैं ये पिनिंग स्टेज है। और इसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें, तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन इनको चाहिए होता है 16-20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए हम जो है वो हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हीटर के साथ साथ अगर हम इसको ऊपर थोड़ा सा पानी रख दें, तो ये साथ साथ ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ होगी और साथ साथ टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ होगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टीम हम दे रहे हैं हीटर के ऊपर रख के पानी को, तो इससे एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर से जो इसकी ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास थोड़ा सा स्पॉन है, ये हमारे पास थोड़ा सा स्पॉन है ये, ठीक है। ये तकरीबन 5-10 ग्राम जो है आप एक बैग जो कि जिसका वेट सब्सट्रेट का होगा 10-15 केजी, तो उसमें आप जो है ये इसको लेयर स्पॉइंग कहते हैं, इसके लेयर पे आपने थोड़ा थोड़ा जो है ये रफली जो है ये रेंडमली डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि इसको मॉइस्चर जो है वो चाहिए होता है, तो आपने इसके ऊपर कोई न्यूज़पेपर या बटर पेपर इसको ऊपर करके, तो आपने थोड़ा सा मॉइस्चर देना है और उसको बैग को हमने फिर कवर कर देना है। अच्छा, स्प्रे देते हुए आपने ये चीज़ रखनी है कि इसकी जो स्पीड है स्प्रे की वो इतनी ना हो कि जो हमारी जो केसिंग का मटीरियल है वो डिस्टर्ब हो, मतलब वो इतना लाइट होना चाहिए। तो वो हम इसको यूँ करके थोड़ा सा स्प्रे दे देंगे, ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर हम दे देंगे इसको। तो मॉइस्चर देने के बाद हमें क्या करना है, हमें बैग जो है ये बिल्कुल कवर कर देना है, एयर टाइट नहीं करना, थोड़ी सी वेंटिलेशन उसको रिक्वायर है, यहाँ से हमें कवर कर देना, ठीक है। ये अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उस तरह से बंद नहीं करना होता, लेकिन इतना बंद करना होता है कि हल्का से उसमें हवा का गुजर भी हो। फिर आपने उन बैग्स को रख देना है थोड़ा सा अंधेरे में, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी खाबीदगी का टाइम है, कि थोड़ा उसने सोना है। जो स्पान है वो जब थोड़ा सा सो जाएगा उसने फिर फैलना है, और आप उसको थोड़ा सा अंधेरा दे देते हैं। कोई भी काले रंग का कपड़ा ले लें या आप कोई शीट ले लें, और वो जहाँ भी आपने अपने बैग्स रखे हैं आप उसको चारों तरफ से कवर कर दें। जब वो सारा सफ़ेद रेशा जो है वो पूरे बैग में आप देखेंगे कि वो फैल जाता है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी जड़ें सी जो हैं वो निकल के पूरे बैग के साथ उसको वो उसने उसको घेरा कर डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ होती है, उसको हम अपनी ज़ुबान में वो भी एक खाद की ही शक्ल होती है, उसको कहते हैं केसिंग। अब ये इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि केसिंग जो है इसका मतलब है कि उसको और ऊपर से कवर करना, यानी उसको थोड़ी नमी देना। और इसमें नमी की जहाँ तक बात है तो तकरीबन 80% नमी जो है वो आपने बरकरार रखनी होती है। घरेलू सतह पे आप एक हीटर लेके या चूल्हा लेके वो उस कमरे में रख लें और देखचे में पानी डाल के, तो आप देखेंगे उससे स्टीम जो है वो पैदा होती है, और हम वही तरीका यहाँ पे कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि पूरे कमरे में नमी हो जाती है, और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि तकरीबन वो 70-80% जो है नमी उस बैग के अंदर या आपका जो भी है उसके अंदर रहती है। तकरीबन जब 10-15 दिन हो जाते हैं, सफ़ेद रेशे हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे पिन हेड्स निकलने शुरू, जैसे छोटी छोटी सुइयाँ जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपने बैग का मुँह जो है वो खोल देना है। उसके बाद जब वो पिन हेड उनके निकलना शुरू हो जाते हैं तो तकरीबन उसके बाद 10-15 दिन फिर लग जाते हैं। फिर आपका जो है इसके ऊपर जो छतरी नुमा, जिसको आप कह सकते हैं गोल सी छतरी या बटन की तरह जो है वो मशरूम बनना शुरू हो जाती है। कोई ऐसा उस तरह से कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जो इसके ऊपर इसका बटन जो बना होता है या जो छतरी नुमा ये होती है या वेल उसको कहते हैं हम, कि वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर वो खुल जाएगा तो उसके नीचे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं कि वो भी जो कि आगे से फिर दोबारा से सीड या स्पान को पैदा करते हैं। जो मार्केट है या खाने वाले लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं, और फिर इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो है वो इसकी वेल ओपन होने से पहले आपने इसको बर्दाश्त कर लेना है या इसको हार्वेस्ट कर लेना है। जब ये आपकी मशरूम तैयार हो जाती है तो कभी भी इसको खींच के नहीं आपने निकालना, आपने इसको हल्का सा जिसको हम कहते हैं ना ट्विस्ट करना, आपने जिस तरफ इसका मुँह है उसको दूसरी तरफ ज़रा सा आप ट्विस्ट करेंगे तो ये इसमें से आपकी
मशरूम निकल आएगी। जहाँ से आपने इसको किया है अगर हल्की सी वहाँ से इसकी खाद डिस्टर्ब हुई है तो आपने दोबारा से जो केसिंग मटेरियल की जैसे मैंने बात की है वो हल्का सा इसकी साइड्स पे आपने कर देना है ताकि आपकी बाकी जो यहाँ से बर्दाश्त करेंगे आप उसको हार्वेस्ट करेंगे वो आपकी फसल ख़राब ना हो। टिश्यू से इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि अगर आप पानी से धोएंगे तो इसका कलर भी चेंज और ये थोड़ा सा वेट में भी ये इसका लॉस होना या इसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। मार्केट में जब आपने करना है तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के हम उसको कहते हैं कि पैकिंग मटीरियल्स होते हैं, डब्बे होते हैं, आप उसमें जैसे पॉलीथीन शीट होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने पैक करना है तो इसको हम कहते हैं स्टेम या इसका तना है तो आपने इसको निकाल देना है, तो आपने बटन की तरह ही इनको अरेंज करके तो आपने इनको पैक कर लेना है। आपको तकरीबन इससे 2 किलो तक आप अपनी बटन मशरूम एक बैग में से निकाल सकते हैं। और अगर होलसेल की बात करते हैं जो कि लोग बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं पूछते हैं और उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है एक एक चारपाई से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनके पास कमरा भी नहीं था और उन्होंने बैग्स चारपाइयों के नीचे रख के अब वो कराची तक भी उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बटन मशरूम की हम बात करते हैं तो तकरीबन 200 से 300 रुपए जो हैं वो एक बैग तैयार करने में आते हैं, तो आप उसको 1500 से 2000 तक मिनिमम आप 1500 भी लगा रहे हैं तो हम देखते हैं कि 300 खर्चा और उस पर आप 1500 यानी कि ऑलमोस्ट आप खुद देख लें कि उस पर कितना 3-4 times जो है आप उसमें ज्यादा अर्न कर लेते हैं। ज़राअत से मुताल्लिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़रई माहरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़रई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।